वेलकम एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए राकेश डांडा फिल्म्स को, बेल आइकन को दबाएं और पाएं जॉब्स और एग्जाम्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, 3 मई से स्टार्ट होंगे जो एग्ज़ाम्स, क्या उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। बहुत कन्फ्यूज़न है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कहीं ऑफिशियल भी नहीं लिखा हुआ कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो इसके लिए हमने ईमेल किया था सबसे पहले, तो एक आज मैंने सुबह ही ईमेल किया CASB की ऑफिशियल साइट से। सो उनका रिस्पॉन्ड आया हुआ है, अच्छा रिस्पॉन्ड है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा, कि या जो नेगेटिव मार्किंग है वो होगी या नहीं होगी। तो देखते रहिए मेरे साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मिले हर एग्ज़ाम्स और जॉब्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो सबसे पहले कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में जान लेते हैं, जिनको कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो जिन्होंने केवल एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई किया है, तो मैं उनको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 60 मिनट के लिए होगा। इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगा। इंग्लिश के अंदर आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 और मैथमेटिक्स के भी 25, यानी कि टोटल 70, और 70 ही क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स इच क्वेश्चन। सेकेंडली बात करते हैं जिन्होंने ग्रुप वाई के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनकी जो ड्यूरेशन होगी वो 45 मिनट होगी। आपके पास 20 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश सब्जेक्ट के, और जो 30 क्वेश्चन है वो हो गए आपके रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपको GK मिलेगी, बेसिक मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं जिन्होंने दोनों भरे, यानी कि एक्स और वाई दोनों का अप्लाई किया हुआ है, तो उनके लिए मैं बात करता हूँ, 85 मिनट होगी आपकी। पहले ही बता दूं कि एक ही सीटिंग पे होगा आपकी बार एग्ज़ाम, जिन्होंने एक्स और वाई का भरा हुआ एग्ज़ाम, यानी कि आपके पास सबसे पहले आपको 60 मिनट मिलेंगे। उसके लिए आपको इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट 25 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको जस्ट वो जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वही मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश आपने ऑलरेडी फिल कर चुके हो। तो इसके अंदर देख लिया आपने 85 मिनट मिलेगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आपको हर एक पेपर के अंदर सेपरेटली आपको पास करना होगा, यानी कि इंग्लिश के अंदर भी आपको पासिंग परसेंटेज लेके आनी होगी, मैथ्स के अंदर सेपरेट और फिजिक्स के अंदर सेपरेट। यदि आप इनमें से किसी में भी फेल हैं, इट्स मीन्स आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे उसके अंदर, यानी कि आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो याद रखिएगा कि आपको हर सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना है। तो देखिए, हम मैंने फुल नोटिफिकेशन पढ़ी है, तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। यदि उनकी नेगेटिव मार्किंग होती तो वो आपको ज़रूर बताते कि आपने नेगेटिव मार्किंग आपकी है जो 0.25 मार्क्स की है, या फिर 1/4 है, या फिर 1/3 है। तो नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है। जो मैं अभी पेज खोला हुआ मैंने, वो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इन्होंने रिलीज़ की थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर। तो इसके अंदर इन्होंने साफ साफ कहीं नहीं लिख रखा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि नेगेटिव मार्किंग होती तो वो ज़रूर मेंशन करते। तो आपको शायद क्लियर हो चुका है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए सभी क्वेश्चन करके आइएगा एग्ज़ाम के अंदर, जितने के जितने क्वेश्चन है आप सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। सो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बाय बाय, सी यू।